Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. Ferrari 250 GTO 1960s में $18,000 में बिकती थी and now $48 million क्योंकि production कब का बंद हो गया and rarity increases value. अब कुछ ऐसा ही आपके crypto investments में भी होने लग गया है. Well, stay tuned and you'll know why and much more. So I'm here because कुछ होने वाला है and I'm pretty sure कि मेरे जैसे सारे crypto enthusiasts have their eyes glued to it. बिल्कुल एक leap year की तरह, this is a once in 4 years thing, Bitcoin halving. But what exactly does this mean for the crypto landscape? चलो थोड़ा detail में समझते हैं. अब बिटकॉइन माइनिंग को ना एज अ डिजिटल ट्रेजर हंट समझो. माइनर्स एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं टू सॉल्व सम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल्स एंड जो भी पहले ये कोड को क्रैक कर लेता है गेट्स रिवॉर्डेड विद न्यू बिटकॉइंस. अब ट्विस्ट ऐसा है कि बिटकॉइन हैविंग इज लाइक अ माइलस्टोन इन दिस ट्रेजर हंट. एवरी 210,000 ब्लॉक्स माइंड द रिवॉर्ड फॉर सॉल्विंग दोज पजल्स गेट्स कट इन हाफ. ये पर्पजफुली किया जाता है टू मेंटेन स्केर्सिटी एंड टू मेक श्योर इट विल स्टॉप एट 21 मिलियन इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड ऑफ माइनिंग. दिस इज मोर टू प्रिवेंट द प्राइस बिकमिंग इन्फ्लेटेड बिकॉज ऑफ एन एक्सेस सप्लाई. टॉक अबाउट प्लेइंग द लॉन्ग गेम. हाँ, इसको तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुम बेसिकली गोल्ड ढूंढ रहे हो. एक बार आपने आधा माइन कर लिया तो जो बाकी आधा बचा है वो तो और ज्यादा कीमती हो जाएगा ना. That's the essence of Bitcoin halving. अब ये thought तो आया ही होगा कि why does Bitcoin halving even matter? Well, मैं बताता हूँ. जैसे ही Bitcoins की supply half हो जाती है, तो demand तो increase हो गई, potentially driving up the price. It's like a game of musical chess. सबको chair पर बैठना है, पर जैसे ही music slows down, the scramble for seats intensifies. तो एक काम करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट्स लुक एट सम नंबर्स. इन द फर्स्ट बिटकॉइन हैविंग जो नवंबर 2012 में हुआ था, द प्राइस ऑफ बिटकॉइन इंक्रीज्ड फ्रॉम अराउंड $12 टू ओवर $1,000. अगर आपने उस टाइम पर सिर्फ ₹1,00,000 बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए होते तो बाय द एंड ऑफ 2013 आपका इन्वेस्टमेंट बढ़कर अप्रोक्सीमेटली ₹83,00,000 हो जाता. सिमिलरली सेकेंड बिटकॉइन हैविंग के वक्त जुलाई 2016 में बिटकॉइन के प्राइसेस विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम $650 टू ऑलमोस्ट $20,000 इन दिसंबर 2017. इस बार भी अगर आपने हैविंग के टाइम पे ₹1,00,000 इन्वेस्ट किए होते तो दिसंबर 2017 तक वो ₹1,00,000 वुड हैव ग्रोन अप टू बी अराउंड ₹30,00,000. ये एग्जाम्पल्स देखकर ही समझ सकते हैं द इम्पैक्ट दैट बिटकॉइन हैविंग हैज ऑन बिटकॉइन्स प्राइस ग्राफ और द पाथ. चलो एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे. लास्ट बिटकॉइन हैविंग जो 2020 में हुई थी, उसका जो फ्रेंजी देखा मैंने क्रिप्टो मार्केट में वो कुछ और ही था. हैविंग से पहले बिटकॉइन की प्राइस करीबन $8,000 के आसपास थी. हैविंग के बाद धीरे धीरे प्राइस बढ़ना शुरू हुआ और साल के एंड तक बिटकॉइन ऑलमोस्ट $30,000 तक पहुंच गया. इन्वेस्टर्स डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए भीड़ लगाए हुए थे एंड यस, दैट वाज द टाइम व्हेन आई ट्रूली सॉ एंड फेल्ट द पावर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड द ड्रामेटिक इम्पैक्ट दैट हैविंग हैज ऑन द मार्केट. अब ना लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द माइनर्स. या विद रिवॉर्ड्स कट इन हाफ, माइनर्स को ज्यादा कॉम्पिटिशन एंड चैलेंजेस फेस करना पड़ता है. इट्स अ टफ गिग बट समवन्स गॉट टू सिक्योर दैट नेटवर्क. As the reward for mining new blocks goes down, miners have to work even harder to make sure Bitcoin network stays secure. ये बहुत ही ज़्यादा important है for people to trust Bitcoin as a safe and reliable digital currency. Let's look at the crypto market sentiment tool or the website over here. ये tool market sentiment को measure करता है. Halving season में ये tools काफी useful होते हैं to gauge the mood. And hey, speaking of tough gigs, navigating the crypto market can sometimes feel like trying to herd cats. Thoda thoda chaotic and thoda thoda unpredictable. But, I've got some juicy market sentiment and investor preparation tips. First things first, market sentiment ke bare mein discuss kar lete. Halving season mein emotions run high. And FOMO to is literally in the air. But remember, hype mein aakar excitement mein kho nahi jana hai hume. We need to think clearly and most importantly, calmly. बहुत impulsive feel होगा उस time पर. Patience and strategic thinking are your best buddies right now.
Now, when it comes to preparations, I've got two words for you. One is diversify and second is hodl. I'm sure diversification के बारे में तो काफी सुना होगा आप लोगों ने, पर ये करना क्यों है? इसके फायदे क्या है? पहले तो it helps you spread your risk. वो putting all your eggs in one basket is risky वाला concept. Secondly, अलग अलग opportunities का advantage भी पाओगे. Thirdly, long term investment में help करता है ये चीज. और fourth, you can sleep better at night क्योंकि आपको पता है कि आपके investments spread out है. So even if some ooch neech happens, you'll be covered. For example, you can allocate a portion of your portfolio to established coins जैसे Bitcoin and Ethereum while also exploring altcoins with strong fundamentals. Remember, diversification is not about chasing every shiny new coin, but rather making informed choices to lessen the risk and maximize potential returns. HODL means to hold onto your coins rather than selling them. HODLing during Bitcoin halving is a testament to the power of patience and conviction in the face of market uncertainty. Short-term fluctuations ke baaton mein aane ke bajaye, HODLers long-term vision rakhte hain. क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसा डिजिटल एसेट है जो स्कैर्स है. इट्स लाइक वॉचिंग अ सीड दैट यू प्लांटेड ग्रो इनटू अ ट्री. इट्स ऑल अ गेम ऑफ पेशेंस. इसलिए पैनिक सेलिंग करने की टेम्पटेशन में मत आ जाना एंड होल्ड ऑन टू योर कॉइन्स फॉर द डियर लाइफ. हमेशा जो भी कॉइन्स में आप इन्वेस्ट करो, ये चीज याद रखना कि वो किस चीज के लिए काम करता है. अंटिल एंड अनलेस द फंडामेंटल्स ऑफ दैट कॉइन चेंज, डू नॉट सेल देम. Alright you guys, that's a wrap on our deep dive into Bitcoin halving. We've covered the basics, explored its impact on supply and price, and shared some invaluable market insights and investor tips. So now, it's your turn to take some action. Join the conversation in the comments down below. I'll be there as well, and let us know how you are preparing for Bitcoin halving. Don't forget to smash that like button, share and subscribe karo for more such insightful content, and until next time, signing off, this is Ali Solanki from Watermelon Gang. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.